सर आपका नाम और आप कहाँ पर इस समय मौजूद हैं? मेरा नाम मॉरिस है और अभी मैं बायंदर उत्तन में हूँ, उत्तन गांव। क्या करने आए हैं यहाँ पर लॉकडाउन में? यहाँ पे बहुत सारे गरीब है, उनको राशन बांटने आए। जी, कितने दिनों से काम कर रहे हैं और कितने लोगों तक अनाज पहुँचाए होंगे अभी? आज तो मुझे 44 डेज हो गया है कि मैं अनाज रोज बांट रहा हूँ और रोज 800 से लेकर 1000 लोगों को अनाज बांटता हूँ। क्या मैसेज देंगे समाज को, उन तमाम गरीब तबके के लोग और तमाम उन संसद विधायक और मंत्रियों को? देखो, पहली बात तो मैं गरीबों को ये बोलूँगा कि घर से बाहर निकलो मत, घर में रहो। हम लोग रोज का ढूंढ ढूंढ के लोगों को, उनको राशन पहुँचाते हैं, दाल पहुँचाते हैं, चावल पहुँचाते हैं, आटा पहुँचाते हैं, तेल पहुँचाते हैं, मैगी और जो भी ज़रूरत की चीज़ें, कांदा बटाटा सब पहुँचाते हैं। मैं तो जो आप सांसद बोल रहे हैं या MLA हो गया या कॉपरेटर हो गया या जितने भी समाज सेवक हैं, मैं सबको सिर्फ एक ही बात क्या बोल रहा हूँ, बाहर निकलो, अपने अपने तरीके से लोगों को मदद करो, उनको अनाज पहुँचाओ जो आज की तारीख में लोगों के पास नहीं है। दाल खिचड़ी मत बांटो, प्लीज़ बाहर निकलो, खाना दो, दाल दो, चावल दो लोगों को, एंड लोगों को आज मदद करो गांव जाने के लिए। लोगों को आज गांव जाने के लिए जो भी उनको पेपर वर्क करने का है वो करने में मदद करो। आज आपने उत्तर में कितने लोगों को अनाज वितरण किया होगा? सर मैं कभी गिनता नहीं हूँ, मगर हाँ जितने परिवार को मैं पहुँच सकता हूँ उतने परिवार को रोज़ पहुँचता हूँ। दिन में हम लोग 500 से 800 परिवारों को पहुँचते हैं, मगर गिनता नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं।